आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। आज का ही दिन था 1948 में जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। पूरे विश्व में अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू के जीवन के सिद्धांत और आदर्श का आज भी आदर किया जाता है। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें प्यार से लोग बापू या महात्मा कहते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने विश्व भर में कई लोगों की जिंदगी सुधारी। उनके जीवन पर कई किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष देश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी कैसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और बलिदान की बात की। 1888 में गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। 1915 की शुरुआत में वो लौटे और फिर दोबारा कभी देश छोड़कर नहीं गए। भारत के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कांग्रेस से अवगत कराया और उन्हें सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनाया। गांधी जी ने अनशन को राजनैतिक विरोध का हथियार बनाया। उन्होंने उस समय देश में प्रचलित कई रूढ़िवादी नियमों का विरोध किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन की चिंगारी को हवा दी जिसमें हर तबके के लोग शामिल हुए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने एक प्रमुख राजनेता और आध्यात्मिक नेता के तौर पर अहम रोल निभाया। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर बापू की हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के इल्जाम में गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 से ठीक 10 दिन पहले बापू को मारने की पूरी कोशिश की गई थी। 20 जनवरी की शाम को बिरला हाउस में बापू पर बम फेंका गया था। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। हे राम। न्यूज डेस्क, storyhowhindi.com। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।